माननीय राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे कमिटमेंट टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पार्ट ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस विषय पर बोलने की इजाजत दी है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो आज इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हो रही है, आपका जो ओपनिंग रिमार्क था, मैं यह मानता हूं कि बहुत ही परफेक्ट आपका ओपनिंग रिमार्क था। इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं और हम लोगों ने फैसला किया कि इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत के लोकतंत्र के मंदिर इस भारत के संसद में एक चर्चा होगी कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के चेयरमैनशिप में जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी और साथ ही साथ जो भारत की एक संविधान सभा थी जिसने बहुत विचार करने के बाद एक संविधान का स्वरूप प्रस्तुत किया था, इन सब सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और फाइनली और अंतिम रूप से जो संविधान बना था उस संविधान के प्रति हम आज अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करेंगे। मैं मानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के एक शिल्पी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो भारतीय संविधान आज हमको प्राप्त हुआ है, जिसे हमने अंगीकार किया है, अध्यक्ष महोदया, उसमें बहुत सारे महापुरुषों का योगदान है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की चेयरमैनशिप में जो संविधान सभा ने अपनी भूमिका निभाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए आज इस संविधान की रचना में जिन लोगों ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है उन सबके प्रति हृदय से श्रद्धा एवं सम्मान की मैं अभिव्यक्ति करता हूं, अध्यक्ष महोदया। और इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की रही है, जिनकी की 125वीं हम यहां पर जयंती वर्ष मना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस अवसर पर जब हम उनकी 125वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कैसी रही है, आगे कैसी रहनी चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह अंबेडकर जी की जयंती वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हम भारत के संविधान की प्रतिबद्धता के संबंध में इस लोकतंत्र के मंदिर भारत की संसद में आज चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस हकीकत से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कई रियासतों में, सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, 565 रियासतों की बात कही जाती थी, बटा हुआ था। देश और दुनिया के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत तो आजाद हो गया है, लेकिन इतनी रियासतों में बटा हुआ है भारत, इतने जात, इतने पंथ, इतने मजहब, इतने धर्म के मानने वाले लोग हैं, यह भारत क्या एक रह पाएगा, क्या यह भारत एकजुट रह पाएगा? लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सारी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए किसी की रही है, तो उस महापुरुष का भी मैं आज स्मरण करना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारी रियासतों का विलय उन्होंने भारत के अंदर कराने में बेहद बड़ी कामयाबी हासिल की। उस समय लोग कहते थे कि बहुत सारी फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं, माने विलय के बाद भी इतनी सारी फॉल्ट लाइंस दिखाई दे रही हैं, कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक घटना का कोई यदि भूकंप आएगा तो यह देश धराशायी हो जाएगा, लोग इस प्रकार की आशंका उस समय व्यक्त करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने पाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत का स्वरूप हम लोगों को दिया है। लेकिन आवश्यकता थी, जब भारत का एक स्वरूप हमको प्राप्त हो गया तो
तो एक कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग सब्सटेंस होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग मैटेरियल होना चाहिए जो कि भारत को जोड़ कर रखे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत को पूरी तरह से एक रखने में, अखंड रखने में, सभी को जोड़ कर रखने में इस बाइंडिंग सब्सटेंस अथवा बाइंडिंग मैटेरियल के रूप में सशक्त एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह यदि किसी पवित्र ग्रंथ ने किया है तो हमारा भारत का वह संविधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर, हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में कितनी उपेक्षाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा है, तिरस्कार, अपमान और कटाक्ष भी उन्हें झेलने पड़े हैं। मन निश्चित रूप से आहत होता रहा होगा, आहत मन होने के बावजूद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए एक भारत के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करने का काम किया है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है, इतना महत्वपूर्ण काम। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, भारत में इतना मुझे अपमानित होना पड़ा है। योग्य व्यक्ति थे, विदेशों से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत में ही रहूंगा और भारत की जो परंपराएं रही हैं, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विधाएं रही हैं, उन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के भारत को एक सशक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करूंगा, उनका एक संकल्प था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं सोचा। आहत मन, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है, बैठिए बैठिए बैठिए, इसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है, बैठिए सलीम साहब, प्लीज बैठिए। यस प्लीज प्लीज, क्या है, बैठिए। यस अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव विषय पे हो ना, प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना दुष्कर कार्य करने में कामयाबी हासिल की है कि लगभग 7,435 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से कि 5,100 से अधिक प्रस्तावों को अलग करना था, और उसके बाद 5,100 से अधिक प्रस्तावों को अलग करने के बाद लगभग 2,431 प्रस्तावों को उन्होंने स्वीकृत करने में कामयाबी हासिल की है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे यह भारतीय संविधान का स्वरूप यह हम लोगों के सामने है, यह भारत की संविधान। और मैं कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यदि मैं कहूं कि हमारे भारत देश के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स रहे तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की भूमिका का निर्वाह किया है। इस प्रकार की संविधान की उन्होंने रचना की है। आज जब मैं इस सदन में संविधान की प्रतिबद्धता के संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं निश्चित रूप से एक महापुरुष का और यहां पर मैं स्मरण करना चाहता हूं, और इसलिए भी स्मरण करना चाहता हूं कि अभी 125वीं वर्ष जयंती उनकी हम लोगों ने मनाई है, अभी 14 नवंबर को उनकी 125वीं वर्ष जयंती मनाई है। वह महापुरुष हैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत के प्रजातंत्र की इमारत को खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। क्योंकि उनकी भी 125वीं वर्ष जयंती अभी हाल फिलहाल 14 नवंबर को ही समाप्त हुई है,
समाप्त हुई है 14 नवंबर को ही, इसलिए मैं उनके प्रति भी मैं सम्मान की आदर की अभिव्यक्ति करता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि जनतंत्र को मजबूत बनाने में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सामान्यतः बोलचाल में भी बहुत सारे लोग एक दलित नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं इतने संकीर्ण दायरे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा जाना चाहिए, इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, मैं कहता हूं कि सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक राष्ट्र ऋषि रहे हैं। इस रूप में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं संज्ञा देना चाहता हूं। प्लीज, और इतना ही डॉक्टर बाबा साहब नेशनल फिगर्स प्लीज, क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में कई संस्थाओं को आधार भी तैयार का काम किया है, और मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, सदन को भी याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने श्रमिक कल्याण, कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए भी कई उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं, इससे हम सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। इस देश के श्रमिक सुविधाओं के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होगी, इस संबंध में भी उन्होंने समय समय पर अपना दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया है, और इस देश के श्रमिक अधिकारों और श्रमिक कल्याण की भावना का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। जैसे सामाजिक सुरक्षा हेतु नीतियां बनाने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। मजदूरों का न्यूनतम वेतन, इस संबंध में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मजदूरों की भविष्य निधि के संबंध में भी विचार किए हैं। मजदूर और मालिक के बीच निरंतर संवाद चलते रहना चाहिए, इस पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विशेष बल दिया है। और मैं समझता हूं कि श्रमिक अधिकारों और श्रमिक कल्याण के लिए कानूनी प्राविधान यह होने चाहिए, इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बराबर समय समय पर जो है बल देने का काम किया है। और हम इस सच्चाई से भी अच्छी तरह परिचित हैं, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो सारी परियोजनाएं सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मस्तिष्क की ही उपज हैं। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा सेंट्रल वाटरवे इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन का, यह स्थापित करने की योजना यदि किसी ने बनाई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही बनाई है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट है, यह कई जल परियोजनाएं हैं, यह सारी की सारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मस्तिष्क की ही उपज है। अध्यक्ष महोदय, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ऐसा मानते हैं कि भारत के लिए उन्होंने एक संवैधानिक ढांचा देने का काम किया है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि संवैधानिक ढांचे के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए एक आर्थिक ढांचे का भी आधार प्रस्तुत करने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ऐसी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं समझता हूं कि इस हकीकत को, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। जहां तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों को ही आधार बनाया गया था, इतना ही नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के निर्माण के भी आर्किटेक्ट रहे हैं। कैसे आर्किटेक्ट रहे हैं यह मैं बतलाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिस समय वो अपना रिसर्च कर रहे थे उस समय एक उन्होंने थीसिस लिखी थी, थीसिस थी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, और वह 1924 में यह थीसिस लिखी थी। उसमें उन्होंने फाइनेंस कमीशन का कंसेप्ट दिया था, और उसी फाइनेंस कमीशन के कंसेप्ट के आधार पर ही भारत में भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की यह स्थापना हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मानते थे अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के बारे में,
यह भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यह उनकी एक निश्चित धारणा थी और इसे समाप्त होना चाहिए। इतना ही नहीं, सबको बराबरी का दर्जा हासिल होना चाहिए, और सबको बराबरी का दर्जा हासिल होना चाहिए इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक आरक्षण की व्यवस्था की, और उनका यह मानना था कि यह एक सोशियो पॉलिटिकल नेसेसिटी है, यह एक सामाजिक राजनीति की आवश्यकता है, यह होना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि सबको समान स्तर पर लाना है, सबको बराबरी का दर्जा यदि हमको देना है, तो आरक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके पहले अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी हमारे देश से यह समाप्त होनी चाहिए। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आग्रह था और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है। लेकिन मैं देखता हूं कभी कभी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कुछ भी योगदान इस देश के लिए किया गया है, कभी कभी किन्हीं विषयों को लोग एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में लेते हैं। अब जी आरक्षण का सवाल, मैं समझता हूं कि आरक्षण पर किसी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि एक यह सोशल पॉलिटिकल नेसेसिटी थी, इसलिए उन्होंने इस काम को किया नहीं। यह एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक व्यवस्था है, मैं ऐसा मानता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण व्यवस्था अध्यक्ष महोदय दी थी, वह बहुत सोच समझ कर दी थी, और मैं यह मानता हूं कि उसका डाइल्यूशन किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, हमारी यह एक निश्चित धारणा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक आदर्श समाज की भी कल्पना की, और उन्होंने लिखा है, एक उनका आर्टिकल है उसमें मेंशन किया है कि माय आइडियल वुड बी ए सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा है कि हमारा यह आदर्श है, और हमारा जब भारत का संविधान जब बनने लगा, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो उन्होंने यह तीन शब्द लिए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक और सामाजिक जीवन दर्शन को इतना प्रभावित किया था, उन्होंने भारत के संविधान के प्रियम्बल में इसे शामिल किया, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा माना जाता है, आज भी हम उसकी आत्मा मानते हैं। यह उन फंडामेंटल वैल्यूज और जीवन दर्शन को समाहित करता है जिसके आधार पर हमारे संवैधानिक ढांचे को खड़ा किया गया है। वैसे तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, अध्यक्ष महोदय, यह माना था कि यह प्रियम्बुल जो होता है, जो प्रस्तावना है, वह भारत की संविधान की आत्मा है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक ऐसी उनकी कल्पना थी, एक ऐसी सोच थी। लेकिन इसके बावजूद, अब क्षमा कीजिएगा, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, 42वां संशोधन किया गया, प्रियम्बुल में परिवर्तन किया गया। मैं समझता हूं सोशलिस्ट और सेकुलर जिन दो शब्दों को डाल, रुकिए रुकिए, बात पूरी सुन लीजिए, सोशलिस्ट और सेकुलर, इन दो शब्दों को जो है उस भारत के संविधान के प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं उसे नहीं मानता हूं, जो हुआ जो हो गया सो हो गया, जो 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 हो गया सो जो हो गया सो हो गया। इट विल नॉट बी लाइक दिस, आप अपने समय में बोलो ना प्लीज। नहीं, मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि भारत आप बोलो ना, रात तक चर्चा करें, भारत के संविधान के प्रति बराबर हमारी प्रतिबद्धता रहनी चाहिए, इस प्रतिबद्धता में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसकी चर्चा करना चाहिए। प्लीज प्लीज, इज नॉट यील्डिंग अहमद जी, प्लीज इज नॉट यील्डिंग, नो बैठिए ना, वो बैठे नहीं है, ऐसा ऐसा प्रश्नोत्तरी नहीं है ये, वो बैठ रहे हैं तो बोलो, आर यू यील्डिंग जी? खड़गे जी मैडम, वन मिनट, खड़गे जी बोल, आपके लिए नहीं, खड़गे जी के लिए बैठ गए। सो आप बहुत दीर्घ भाषण दे रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा भाषण तो स्पीकर जी का हुआ, क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर करे। लेकिन ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स है, ये नए जो जुड़े गए 1942 अमेंडमेंट्स के तहत, इस पे आपकी थोड़ी आपत्ति है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर
सोशलिस्ट वर्ड सेक्युलर वर्ड डालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वातावरण में उनको वो किया नहीं गया। जैसा सुने, अरे सुनो, अरे बहुत से लोग आपके भी, जैसा जैसा कि हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने अपोज किया। क्या उसका नाम बताऊं मैं पूरे? तो इसीलिए आप वो टीका टिप्पणी करके छोड़ दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो अच्छे बात बोलिए ताकि ऐसे कंट्रोवर्शियल मत हो। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे जी, वो तो मूल भारतीय थे। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं। हम भागने वाले नहीं है, इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। हम 5000 साल मार खा के यहाँ बैठे हुए। प्लीज खड़गे जी, नाउ दिस इज ओवर। एक मिनट, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि पूरा दिन बोलना है आप अपने अपने समय में, ये अच्छा नहीं है। एक बहुत गंभीर बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई बहस नहीं है, और इसलिए आप सबको मौका मिलेगा, आप अपनी बात उस समय रखिएगा, मगर ये कोई बहस वाद विवाद नहीं। प्लीज प्लीज, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, नॉट फॉर यू, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट अ वे, प्लीज प्लीज, आप सबको निवेदन है। अध्यक्ष महोदय जी, प्लीज अध्यक्ष, ये अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे नेता कांग्रेस दल ने बिना मेरी पूरी बात सुने उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। मैंने कहा, देखिए जितना मैं जानता हूं, जानते तो आप भी होंगे, कि संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि प्रियम्बुल जो भारत के संविधान की आत्मा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक ऐसी उनकी सोच थी। और उस सोच के बावजूद 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। मैं यह मानता हूं कि सोशलिस्ट और सेकुलर यह शब्द यदि डालना यदि आवश्यक रहा होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के प्रियम्बुल में उसी समय सोशलिस्ट और सेकुलर इन शब्दों का जो है प्रयोग किया होगा। बहस नहीं करें, आप बोले, अपना समय आएगा तो। क्यों? नो, बाबा साहब भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, बाबा साहब ये नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इन शब्दों का प्रयोग संभवतः इसलिए नहीं किया था कि वह मानकर चलते थे कि यह भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत का जो मूल स्वभाव है उसमें ही यह समाहित है, अलग से इसका प्रियम्बुल में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भारत के संविधान कि जो आत्मा जो जिसे हम प्रियम्बुल कहते हैं, मैं उसका यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा। प्रियम्बुल का पहला शब्द है, अध्यक्ष महोदय, सावरन। सावरन अर्थात संप्रभु, जिसका अर्थ होता है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखने में सक्षम। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जो इतिहास के अज्ञात काल से आज तक तमाम झंझावातों को झेलने के बावजूद अपने मूल रूप में विद्यमान है। और शायद इस हकीकत को समझते हुए ही इकबाल साहब ने जो लिखा है, यूनान मिस्र रोमा मिट सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, शायद यही सोचकर, इन्हीं सब सारी बातों को सोचकर अंबेडकर साहब ने कुछ जिन चीजों का उल्लेख बाद में किया गया है उन्होंने उस समय उल्लेख नहीं किया था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सावरण सिविलाइजेशन यदि किसी की है तो हमारे भारत की है, और हम सबकी सावरण सिविलाइजेशन है, यह हम अध्यक्ष महोदय कह सकते हैं। दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया है वह डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतंत्र है। और इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि भारतीय समाज के मूल स्वभाव में ही लोकतंत्र विराजित है। मैं कहता हूं कि जाकर भारत के प्राचीनतम इतिहास कोई देखे, उस पर यदि वह नजर डाले तो मैं समझता हूं कि भगवान राम से बड़ा डेमोक्रेटिक और कौन हो सकता है।
माने समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा उंगली उठाने पर उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। यह जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का ध्यान रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना यह भारत के संविधान का प्रियम्बुल तैयार किया था। अगला शब्द है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। हम यदि अपने वेदों में देखें, यदि मैं वेद की चर्चा करूंगा तो कुछ लोगों को यहां पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन नहीं नहीं होगी, नहीं आपत्ति है तो शांत रहिए। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इस रिपब्लिक शब्द का प्रयोग प्रियम्बल में किया था। वह जानते थे कि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य वैशाली से दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में संत बासव नना द्वारा स्थापित अनुभव मंडप यदि कहीं पर है तो भारत में है, और इसके पहले इस प्रकार के प्राचीनतम गणराज्य दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने रिपब्लिक इस शब्द का, इस गणराज्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। जहां तक सोशलिस्ट शब्द का अर्थ का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसके एक मंशा इसके पीछे यह रहती है कि आर्थिक समरसता होनी चाहिए, आर्थिक समरसता समाज में बनी रहे। इसके लिए हमारे यहां भारतीय संस्कृति में ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे मूल्य हैं कि यदि मैं चर्चा करूं, तेन तक तेन भुंजिता, यानी हमको भोग करना चाहिए, उपभोग यदि करना चाहिए तो त्याग पूर्वक करना चाहिए। यह सब सारे मूल्य यदि कहीं पर विद्यमान है तो वह भारत की संस्कृति में ही यह सब सारे विद्यमान है। इसलिए इस हकीकत को वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने शायद सोशलिस्ट इस शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के प्रियम्बुल में उन्होंने नहीं किया। और भारत की तो परंपरा भी है, अध्यक्ष महोदय आप जानती हैं कि यहां उसी की पूजा होती है, उसी की सर्वाधिक मान्यता रहती है जो त्याग करता है। यदि मैं नेताओं में यदि देखूं, मैं किसी नेता के संबंध में नहीं कहना चाहता हूं कितना पॉपुलर रहा है, कम रहा है कि अधिक रहा है, इन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता यदि रही है तो महात्मा गांधी की मान्यता रही है आजादी हासिल होने के पहले और आजादी हासिल होने के बाद, क्योंकि उनका त्यागपूर्ण जीवन रहा है, इस कारण जो है उसकी मान्यता रही। मैं सेकुलर शब्द के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, सेकुलर शब्द का जहां तक है यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। हमारा यह कहना है कि यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। सेकुलर का जो औपचारिक अनुवाद हुआ है, भारत के संविधान का अनुवाद होते हुए जो औपचारिक अनुवाद है, सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं में ही भारत का धर्म यह अपने में स्वयं, इसलिए इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग खड़गे साहब भारत के प्रियम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। वह उस समय भी बहुत सारी पूजा पद्धतियां थी, उस समय भी बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग यहां पर थे, लेकिन उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब भारत का यह चरित्र ऐसा पहले से ही पंथ निरपेक्ष कैसे रहा है, अध्यक्ष महोदय इसके बारे में इस सदन में भी एक बार मैं बोल चुका हूं, आज मैं फिर से उसका यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। भले ही पारसी समाज के लोग दुनिया में सभी देशों में पीड़ित हुए हों, लेकिन सर्वाधिक सम्मान पारसी समाज को यदि किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल भारत ने दिया है। दुनिया के अन्य देशों में वह सम्मान नहीं मिला है, इसे वह पारसी समुदाय भी स्वीकार करता है। यहूदी समुदाय के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय यहूदी समुदाय इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद उन्होंने जो इतिहास लिखा है उस इतिहास में इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है कि दुनिया के अन्य देशों के अपेक्षा सर्वाधिक सम्मान यदि यहूदी समाज को कहीं पर मिला है तो केवल और केवल भारत देश में मिला है।
उन्होंने इसराइल के अस्तित्व में आने के बाद जो इतिहास लिखा है उसमें इस बात का उल्लेख किया है। और इतना ही नहीं, जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं, 72 फिरकों से अधिक फिरके मुस्लिम समाज के नहीं हैं। 72 के 72 फिरके इस्लाम को मानने वाले किसी देश में प्राप्त नहीं होते हैं। यदि 72 के 72 फिरके यदि मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं अध्यक्ष महोदय, और कहीं नहीं मिलते। इस हकीकत को, इस हकीकत को, इस हकीकत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का प्रयोग जो प्रायः धर्मनिरपेक्ष किया जाता है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आसन के ऊपर भी धर्म चक्र प्रवर्तन आय लिखा है, इसका मतलब इसे भी निकाल देना चाहिए। हमारा यह निवेदन है, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देश अथवा समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप बोलिए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं अटल जी के शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा जग के ठुकराए लोगों को, लो मेरे अपने समय में खुला द्वार, मैं अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। यानी जो आना चाहते हैं आए, हम सबको स्वीकार करने को तैयार हैं। यह एक भारत की परंपरा रही है, इसका उल्लेख उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा ही नहीं है बल्कि वह भारत की आत्मा का एक अस्थायी प्रतिबिंब है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। जी आप बोलिए। राजनाथ जी आप अपनी बात बोलिए, नथिंग विल कॉल रिकॉर्ड, केवल आपका भाषण जा रहा है। नेताओं से कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं समझता हूं संविधान को संविधान के रूप में, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में लिया जाना चाहिए। संविधान की प्रियम्बुल के किसी शब्द का राजनैतिक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इन सब सारी बात चीजों का यहां पर उल्लेख कर रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही जो कुछ भी उस समय किया होगा, लेकिन फिर भी इन सब सारे शब्दों के राजनीतिक दुरुपयोग के कारण ही जो हम सामाजिक सौहार्द, जो सांप्रदायिक सौहार्द हम इस देश में कायम करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से कठिनाई पैदा हो गई। इसलिए मैंने जानबूझकर यहां पर इसका उल्लेख किया। जैसा आपने कहा था अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा, भारत आप अपने समय में बोलिए, आपको उतना ही समय मिलेगा। नो आई एम सॉरी, बैठिए बैठिए प्लीज। भारत का संविधान अध्यक्ष महोदय फ्लेक्सिबल है, भारत का संविधान स्ट्रांग है। आप अपने ओपनिंग रिमार्क में यह कहा है और मैं यह मानता हूं कि भारत का संविधान वर्केबल भी है और यह बहुत ही पवित्र है। और बाबा साहब मानते थे कि भारत का संविधान लिखे हुए शब्द नहीं है बल्कि ये ऐसे प्रभावी उपकरण हैं जिसकी ताकि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके, यह उनकी सोच। अरे बैठिए ना, आपके नेता बोलेगी ना। और अध्यक्ष महोदय आपकी नेता भी बोलने वाली है, बैठिए बैठिए, कुछ समय वो बोलेगी, आप बैठिए, शी विल स्पीक, नो प्लीज इट इज नॉट अवे, नो प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी तरफ से भी लोग बोलेंगे, उस समय बोलो, ऐसा क्या होता है, किसी को मना नहीं है ना, ये चर्चा चल रही है ना, इट इज नॉट अवे, नो आपके भी नेता बोलेगी, बोलेगी ना, आपको विश्वास नहीं है अध्यक्ष महोदय, सब बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा है, मैं उसी का यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा
कि विशेष रूप से शोषित, वंचित और दबे कुचले पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान ने जो अधिकार प्रदान किया है उन्हें हासिल करने में जिस तरीके से प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका के निर्वाह किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अथवा हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद दूसरे देशों में इतनी विविधताओं के बावजूद इतनी विविधताएं रही होती और ऐसा संविधान बनाने की कोशिश की गई होती तो शायद वहां पर ब्लड रिवॉल्यूशन हुआ होता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पारित होना किसी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन से कम है और इसमें यदि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है और हमारे संविधान सभा के सम्मानित जितने भी सदस्य रहे हैं उन सबका इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदया उल्लेख करना चाहूंगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17 हर भारतीय को समान अधिकार देते हैं, भेदभाव से सुरक्षित रखते हैं और विशेष रूप से आर्टिकल 17 जो भारत के संविधान है उसका मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा जिसमें कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खंडित करते हुए मनुष्य को डिग्निटी प्रदान की गई है। लेकिन अनटचेबिलिटी कैसे समाप्त, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता कैसी है? आप भी जानती हैं अध्यक्ष महोदया कि पहले झाड़ू लगाना यह बहुत छोटा कार्य, हीन कार्य माना जाता था और यह काम करने वाले लोगों को किस नजरिए से देखा जाता रहा है वह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चला। यह हमारी भारत के संविधान के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है मैं उसकी यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता जो होती है राष्ट्रपति की वह रहे हों, चाहे कोई मंत्री रहा हो, चाहे कोई गवर्नर रहे हों, सारे के सारे लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर झाड़ू लेकर निकले, हम यह संदेश देने में कामयाब रहे। कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम की एक अपनी अहमियत है और झाड़ू लगाने से कोई अनटचेबल नहीं हो सकता। और मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार ने जो इस अभियान शुरू किया है भारत के संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूं और कोई भी समाजशास्त्री होगा वह भी सच्चाई को स्वीकार करेगा कि स्वच्छ भारत अभियान एक सचमुच एक सामाजिक आंदोलन है, एक सोशल मूवमेंट है जिसको हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। मैं अध्यक्ष महोदय हर भारतीय को डिग्निफाइड लाइफ देने के उद्देश्य से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की। फंडामेंटल राइट्स का आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी उल्लेख किया है। संविधान सभा ने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 के माध्यम से जहां राइट टू इक्वेलिटी समानता का अधिकार दिया, वहीं आर्टिकल 19, 20, 21, 22 राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार इसके माध्यम से दिया। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन शोषण के विरुद्ध यह भी अधिकार दिया है और आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के माध्यम से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी अधिकार दिया है। फंडामेंटल राइट्स की इतनी विशद व्याख्या मैं समझता हूं शायद विश्व के किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जो कुछ भी उल्लेख किया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
की भी व्यवस्था की गई है। और मैं यह मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय कि हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें फंडामेंटल राइट थी, यानी यदि हम प्रस्तावना को यदि हम माने कि वह भारत की आत्मा है, भारत की संविधान की आत्मा है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान के लंग्स हैं, ये भारत के संविधान के फेफड़े हैं। यदि भारत के संविधान की आत्मा है, यदि यह प्रिय प्रियम्बुल यदि भारत के संविधान की आत्मा है तो फंडामेंटल राइट्स उसके लंग्स हैं, ऐसी हमारी मान्यता। अध्यक्ष महोदय प्लीज अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि संविधान का स्वरूप एकात्म होने के बावजूद उसका चरित्र फेडरल है। यह हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भारत के संविधान का फेडरल करैक्टर अनूठा है और केंद्र की सत्ता राज्यों के सारे बाजुओं को यानी सभी राज्यों को साथ लेकर ही चलती है, ऐसे भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है। मौजूदा केंद्र सरकार ने फेडरल व्यवस्था का मान करते हुए न केवल राज्यों को राजस्व में रेवेन्यू में मिलने वाला पहले जो शेयर था 32%, उस 32% को बढ़ाकर 42% का करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि यह भी भारत के संविधान के प्रति हमारी यह प्रतिबद्धता ही है। अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह भी मानना था कि सामाजिक एकता लोकतंत्र के भारत में पुष्पित और पल्वित होने के लिए बेहद जरूरी है। इस दृष्टि से आर्टिकल 29 और 30 का यहां जिक्र करना चाहूंगा कि हर भारतीय नागरिक को विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को, सलीम साहब सुनिए, आर्टिकल 29-30 का यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा जो हर भारतीय नागरिक को विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी स्वेच्छानुसार सामाजिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत संस्थाएं खड़ी करने का अधिकार देता है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, यह इसका मैं कौन कहता है अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कर देना चाहता हूं, भारत में चाहे कोई किसी भी कमेंट्स कोई रिकॉर्ड में नहीं, भारत में चाहे कोई किसी जात का क्यों न हो, पंथ का क्यों न हो, मजहब का क्यों न हो, धर्म का क्यों न हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है वह सभी भारतीय हैं और सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। यह हमारी सरकार की सोच और इसी सोच के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका उल्लेख अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह सामाजिक और शैक्षिक संस्थाएं अल्पसंख्यक खड़ा कर सकें, इसका अधिकार तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में दिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई सेकुलरिज्म का बार बार नारा लगाने की आवश्यकता नहीं समझी है, इसलिए मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं। एजुकेशन सिस्टम का जहां तक सवाल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसे मानते थे, शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का, रोजगार का केवल एक साधन नहीं है, बल्कि हम लोगों के व्यक्तित्व का समग्र विकास, कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा पर उनका विशेष बल था। यह शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए और शिक्षा सबको अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। और हमारी सरकार यह प्रयत्नशील है, इस देश में भले ही कोई समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह कोई शिक्षा चाहता है तो उसे पर्याप्त शिक्षा जितनी उसकी इच्छा है, जितनी योग्यता और क्षमता है, उस आधार पर उसे शिक्षा प्राप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वोमेन एम्पावरमेंट का जो उनका कंसेप्ट है उसकी यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही है अध्यक्ष महोदय, और इतना ही नहीं, उन्होंने पुरुष और महिलाओं को समानता देने के लिए जहां समान कानूनी अधिकार प्रदान किए, वहीं प्रॉपर्टी राइट्स,
राइट्स टू एडॉप्शन और संपत्ति में अधिकार देकर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भी दी है। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उन्होंने दी है। सामाजिक सुरक्षा की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो अवधारणा थी, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अरे आप भी बोलो ना, आप बोलने में अपना सबका नाम दे दो, सब लोग बोलो प्लीज, प्लीज। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के को सामाजिक सुरक्षा देने की वकालत की वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने एक कदम उठाया है जिसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं और वह गृह मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्रालय से संबंधित है कि हम लोगों ने फैसला किया है कि हर और एडवाइजरी भी राज्यों को हम लोगों ने भेजी है, यूनियन टेरिटरीज में तो लागू कर ही रहे हैं, कि अब पुलिस में भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह हमारी है प्रतिबद्धता, यह है हमारी प्रतिबद्धता और हमारी अभी प्रतिबद्धता है। हमारे प्रधानमंत्री की भारत के संविधान में प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि अध्यक्ष महोदया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को हमने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में लिया है। यह भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता है उसका यह प्रमाण है। और इस काम के लिए 100 ऐसे जिलों को हम लोगों ने चुना है जहां चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है, ऐसे हम लोगों ने 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया है। अध्यक्ष महोदया, मौजूदा केंद्र सरकार डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि और दर्शन से प्रेरित होकर अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अस्पृश्यता समाज के लिए बड़ा अभिशाप है। यद्यपि संविधान के आर्टिकल 17 के माध्यम से अनटचेबिलिटी का एवैल्यूएशन करने की घोषणा 65-66 वर्ष पहले कर दी गई थी, लेकिन वह नहीं हुआ है। तो मैंने एक कार्यक्रम की तो चर्चा की, जिस अभियान को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में हम लोगों ने लिया है, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का यह संकल्प है कि हम इस देश से अनटचेबिलिटी को समाप्त करके ही दम लेंगे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। मैं ये सदन की संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, हमारी केंद्र सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आर्थिक दृष्टि से प्रेरित होकर कई ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया है। उनमें से मैं कुछ ही यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह किसके लिए है? प्रधानमंत्री जनधन योजना यह किसके लिए है? क्या यह धनवानों के लिए है? सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय, यह प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण योजना ताकि समाज के वंचित, दलित, पिछड़े, गरीब तबके का गरीब तबके को इकोनॉमिक सिस्टम के साथ हम जोड़ सकें, इसलिए हो गया आपको मोहम्मद सलीम, आज क्या हो गया? प्लीज आप बोलोगे ना? प्लीज। और आज अध्यक्ष महोदय, आपको बतलाते हुए मुझे बेहद खुशी होगी, आप बोलो, अपना समय आएगा तब बोलो प्लीज। वो तो छोटे, आप सीनियर है, प्लीज बैठिए। और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की भी कैसी प्रतिबद्धता है भारत के संविधान के प्रति, उन प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारी सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लागू कर रही है, इसकी मैं यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदया, और मैं यह भी सदन को बतलाना चाहता हूं कि आज देश में 99.7% से अधिक परिवारों के खाते बैंक में खुल चुके हैं अपने नए रिकॉर्ड, सारे विश्व में एक रिकॉर्ड। और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से भी कई योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ की हैं, और उन पेंशन योजनाओं का भी मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, ताकि इसका अधिकतम लाभ जो समाज के वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, उन सभी को मिल सके, इसलिए यह सब सारी बीमा योजनाएं भी हम लोगों ने प्रारंभ की। और इतना ही नहीं,
बल्कि एक गरीब उद्यमियों के लिए, साधारण और गरीब जो उद्यमी हैं उनको काम करने के लिए पूंजी का अभाव रहता है, तो उनको पूंजी उपलब्ध हो सके इस काम के लिए मुद्रा बैंक की एक स्थापना है, जो मुद्रा बैंक इस काम को अच्छी तरह कर रहा है। यहां पर उन गरीबों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का यहां पर और उल्लेख करना चाहता हूं, गरीबों का, और साथ ही साथ यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच के आधार पर ही हमारी सरकारें काम कर रही हैं। एक हमारी सरकार ने, अध्यक्ष महोदया, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की, जो ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक पिछड़े लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। सर्वाधिक जो पिछड़े हैं, सर्वाधिक जो गरीब हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए यह दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना इस काम कर रही है। इनमें शेड्यूल ट्राइब 50%, अल्पसंख्यक 15% और महिलाओं के लिए 33% का कवरेज रखा गया है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने पहले की है। और अंबेडकर जी की सोच, अंबेडकर जी सबको समानता चाहते थे, सबको साथ लेकर चलने की बात ये करते थे, उसी आधार पर, समानता के आधार पर समाज की स्थापना, जबकि इसी उद्देश्य को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और सचमुच सबका साथ और सबका विकास कि इस अवधारणा को लेकर जो हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे भारत, हम इस अवधारणा को लेकर इसलिए, अध्यक्ष महोदया, आगे बढ़ रहे हैं कि हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिससे आपको क्या प्रॉब्लम, अध्यक्ष महोदया, सबका साथ सबका विकास इस अवधारणा को लेकर हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि ऐसा भारत जिसमें गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मौके और मुकद्दर का मोहताज न रह जाए, एक ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए सबका साथ और सबके विकास इसकी अवधारणा को लेकर हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदया, कि हमारी सरकार सचमुच भारत के संविधान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक नैतिकता के प्रति पूरी तरह से सजग रहती है। और मैं समझता हूं कि संवैधानिक नैतिकता का सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए, यह भी हम सभी संसद के सदस्यों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। और साथ ही यह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्टी, यदि चाहे कोई किसी दल में क्यों न हो, चाहे कोई किसी दल में क्यों न हो, लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्टी के प्रति वह प्रतिबद्ध है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की एकता और अखंडता पर कभी भी कोई ताकत सवालिया निशान नहीं लगा सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में बाबा साहब भीम